आर्मी में कहते हैं जो ऑफिसर कहे वही करो, एयरफोर्स में कहते हैं ऑफिसर फ्लाई करेंगे आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन नेवी में कहते हैं कि हम साथ डूबेंगे। तो फ्रेंड पहला ट्रिक है, अगर इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्म आपके पेपर में आ जाता है। तो देखो, अगर 0 to π 1 - cos nx, 0 to π 1 - cos nx अपॉन 1 - cos x dx, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या होगा? देखो यहाँ पर n है ना, n, तो n का एज इट इज, अब देखो यहाँ पर पाई है तो पाई, ठीक है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन क्या होगा? n पाई। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है 0 to π 1 - cos 2x अपॉन 1 - cos x dx, ठीक है, ऑप्शन दिया है 0, सेकेंड है रूट में 2 - 1, थर्ड है 2π और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर n के स्थान पर कितना दिया है, 2π, ठीक है, 2 में पाई से गुणा कर देंगे तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। आपको ऐसे ही ऑप्शन से उड़ा देना है सवाल को। देखिए ऐसे ही देखो 0 to π 1 - cos 4x अपन 1 - cos x, तो यहाँ पर पाई दिया है और 4 दिया है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों का ट्रिक नंबर सेकेंड है 0 से π/2 sin²nx अपॉन sin²x dx। देखो जब भी ऐसे इस फॉर्म में कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आता है, 0 से π/2 हो और sin²nx अपॉन sin²x, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या होगा? जो यहाँ पर π/2 है तो π/2 में n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो भाई कॉपी में जो ट्रिक है नोट करते जाना, क्योंकि पेपर में जो भी ऑप्शन का जो ऑप्शन वाला प्रॉब्लम आएगा उसे आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो π/2 इसमें क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई n, यही होगा हम लोगों का इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 0 से π/2 है sin²4x अपन sin²x dx, ठीक है, तो यहाँ पर n का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 गुणे क्या करेंगे π/2 इस ट्रिक के अनुसार, तो π/2 यहाँ पर कर दो, तो देखो 2 से 4 कितना बार में, 2 बार में, तो कितना होगा 2π, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे ही यह देख लो 0 से π/2 sin²6x, ठीक है, तो यहाँ पर n का मान 6 दिया है, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/2 से, तो π/2, तो 2 से कितने बार में गया, 3 बार में, तो कितना होगा 3π, तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट। फ्रेंड ट्रिक नंबर जो हम लोग का थर्ड है, देखिए इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम इस फॉर्म में दिया है, a to b ब्रैकेट में x माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर a है, अपॉन अपर लिमिट माइनस x, इस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्या करना है इसे कॉपी में बहुत बढ़िया से नोट कर लेना और इम्पोर्टेंट भी रख देना, इम्पोर्टेंट लिख देना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा b - a, ठीक है, तो b - a, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, π/2 से। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया है 1 से लेकर 2 तक और ब्रैकेट में x माइनस लोअर लिमिट 1 है, तो 1 अपान 2 - x, ठीक है, डायरेक्ट इसी फॉर्म का है, विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू हम लोगों का फार्मूला, तो b - a, तो देखो b क्या है, 2 है, तो यहाँ पर देखो 2 में से 1 घटाएंगे और π/2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा और π/2, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, π/2, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है 3 to 5, लोअर लिमिट क्या है, 3 है, अपर लिमिट क्या है, 5 है, और ब्रैकेट में दिया है x - lower limit अपॉन अपर लिमिट माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोगों को हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा, डायरेक्ट ये भी इसी फॉर्म का है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 में से 3 घटाएंगे और π/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 5 में से 3 घटाओ 2 होगा इंटू π/2,
तो दो से दो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पाई बचा, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी ए वाला क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से कॉपी में नोट करते जाना, क्योंकि जब भी पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड, तो क्या करेंगे केवल ऑप्शन देख के उड़ा देंगे, ठीक है कि नहीं। तो कॉपी में नोट करते जाना। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 021 ब्रैकेट में एक्स माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर एक्स माइनस जीरो कर देंगे ए वाले फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा एक्स माइनस जीरो अपॉन अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं। तो ये भी डायरेक्ट इसी फॉर्म का है, तो क्या करेंगे ट्रिक लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक में से जीरो घटाओ, ठीक है। तो एक में से जीरो मैंने यहाँ पर घटा लिया और इंटू पाई बाई दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा पाई बाई दो, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन इसमें भी ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कॉपी में इसे नोट कर लेना। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर चार। तो फ्रेंड ट्रिक नंबर फोर्थ है, दिया है 0 to π/2 1 अपॉन m cos स्क्वायर x प्लस n sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, ट्रिक देखो यहाँ पर पाई बाई टू है ना, तो पाई बाई टू एज इट इज यहाँ पर उतार दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन रूट में m इंटू n, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट में m इंटू n, ठीक है। ट्रिक समझ आया कि नहीं, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, 0 to π/2 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें इंटीग्रेट करना है। तो ट्रिक का आंसर क्या होगा, पाई अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट में m, तो m के स्थान पर कितना है 4 है, n के स्थान पर 9 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे होगा 36, ठीक है। तो पाई अपॉन 2 यह कितना हो जाएगा 1 अपॉन, तो रूट में 36 का मान कितना होगा, सिंपली 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, पाई अपॉन 12। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला प्रश्न है, 0 to π/2 1 अपॉन 25 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें इंटीग्रेट करना है। तो सेम यही फॉर्म है, तो क्या करेंगे हम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन वाला सवाल आएगा पेपर में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ट्रिक से डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रिक नोट कर लेना कॉपी में, तभी बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है कि नहीं। तो देखो पाई बाई टू ट्रिक क्या है, पाई बाई टू इन टू, ठीक है, 1 अपॉन रूट में एम एन, तो एम के स्थान पर कितना है 25 है, यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो देखो रूट में 25 का मान कितना हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा, और रूट में 16 उसका मान 4 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 5 दूनी 10, 10 चौका 40, ठीक है। तो पाई अपॉन 40, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या है, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट होगा। तो फ्रेंड ट्रिक नंबर अगला है, दिया 0 to π/1 अपॉन एम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो पहला ट्रिक था उसमें डिनोमिनेटर में केवल एम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एन साइन स्क्वायर एक्स दिया, लेकिन इसमें क्या दिया है, उसका स्क्वायर कर दिया है। तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक भी चेंज हो जाएगा, होगा पाई इन टू ब्रैकेट में यहाँ पर एम प्लस एन, ठीक है। यह अभी ट्रिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। तो क्या होगा पाई ब्रैकेट में एम प्लस एन, और डिनोमिनेटर में क्या होगा रूट में एम एन, रूट में एम एन का होल क्यूब, ठीक है। तो कॉपी में आप लोग इसे नोट कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 0 to π/2 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे ट्रिक लगाएंगे, तो देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग पाई ब्रैकेट में एम प्लस एन, तो एम के स्थान पर 4 है और एन के स्थान पर यहाँ पर 1 है, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और नीचे ब्रैकेट में नीचे क्या होगा रूट में 4 इंटू 1, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो 4 इंटू 1 तो कितना होगा, रूट में 4 इंटू 1 4 ही होगा, ठीक है। तो उसका रूट कितना होगा 2, 2 का क्यूब कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब, तो क्या होगा 5 पाई अपॉन 2 का क्यूब कितना होगा 8,
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला देखिए, ये अभी सेम एज इट इज है, यहाँ पर वन छिपा हुआ है, तो क्या होगा? पाई ब्रैकेट में एम प्लस एन, तो एम का मान 9 है और एन का मान 1 है, तो 9 प्लस 1 अपॉन रूट में एम इंटू एन, तो एम का मान 9 और एन का मान 1, तो 9 इंटू 1 का क्यूब देखो क्या होगा, 10 पाई अपॉन 9 इंटू 1 क्या होगा, 9 होगा, तो रूट में 9 का मान 3 होगा और 3 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो कितना होगा, 10 पाई अपॉन 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगला ट्रिक है, 0 टू इनफिनिट 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फ्रेंड अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो इसके लिए भी डायरेक्ट जो ट्रिक है वह क्या, ध्यान से देख लेना, यहाँ पर n है ना, तो क्या होगा, n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको डायरेक्ट ट्रिक लगाना है n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर n का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो क्या होगा ट्रिक अनुसार, 2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 1। ठीक है, तो 2 बटा 4 में से 1 घटा दो कितना हुआ, 3। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द सेकेंड क्वेश्चन है, 0 टू इनफिनिट 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू क्यूब, ठीक है, dx। तो देखो इसके लिए ट्रिक क्या अपनाएंगे, n अपॉन, तो n का मान यहाँ पर कितना दिया, 3, तो 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 1, तो कितना हुआ, 3 अपॉन 8। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला ट्रिक देखते हैं, अगला ट्रिक है, अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है डिफिनिट इंटीग्रल में, ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स टू पावर एन इंटू साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, देखो इसके लिए ट्रिक है, 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन एन प्लस 1, एन क्या है, एन यहां पर पावर है, माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2, ये होगा हम लोगों का ट्रिक। ये दिया है 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स के पावर कितना है, n है, सॉरी 1 है, तो n का मान कितना निकला, 1 निकला, और साइन 2x dx सेम इसी टाइप का है, तो क्या करेंगे, n के स्थान पर केवल 1 रख देंगे ट्रिक में, तो रख कर देखो, 2 ब्रैकेट में n के स्थान पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 माइनस का माइनस, 1 अपॉन n के स्थान पर कितना रखेंगे, 1 पुट कर दो, प्लस 2। ठीक है, देखो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना होगा, 2 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 6 और ऊपर होगा 1, करके देख लेना, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा, तो कितना होगा, 3। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न सेम इसी टाइप पर है, यहाँ पर n का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो चलिए करके देखो इसे, 2 और फिर से ब्रैकेट में क्या होगा, देखो यहाँ पर n का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस सॉरी 1 अपॉन 5, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 अपॉन 10, करके सॉल्व करके देख लेना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं ट्रिक अगला। तो फ्रेंड अगला ट्रिक है, अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग 1 प्लस एन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लिमिट याद कर लो 0 से पाई बाई 2, इस फॉर्म का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन होगा पाई ब्रैकेट में फिर से रूट लेंगे 1 प्लस यहाँ पर जो एन है एन माइनस 1। ठीक है, तो ट्रिक यही है, कॉपी में नोट कर लूँ, चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है सेम यही फॉर्म दिया, n के स्थान पर कितना दिया है, 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे इस वाले ट्रिक में n के स्थान पर कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो पुट करो तो पाई 1 प्लस n के स्थान पर कितना पुट करेंगे, 3,
तो 3 माइनस 1, तो 3 में 1 ऐड करो 4 होगा, तो रूट में 4 का मान कितना होगा 2 होगा, तो 2 माइनस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो कितना होगा पाई होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यह है, तो इसमें देखो इसमें एन के स्थान पर 8 दिया है, ठीक है, तो एन के स्थान पर 8 पुट कर दो, कितना होगा 8 प्लस 1 कितना होगा 9, तो रूट में 9 का मान कितना होता है 3, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो 2 पाई। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड अगला ट्रिक है 0 to ∞ log x बेस e अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो डिनोमिनेटर में क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो अगर इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम आता है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और ए और सी दोनों आपस में बराबर हो, तो इसका डायरेक्ट मान 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहां पर क्वेश्चन देख लो, देखो ए और सी दोनों बराबर है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो इसका डायरेक्ट मान कितना होगा 0, तो 0 कौन सा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी देख लो 6 और 6 ए और सी दोनों बराबर है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें भी देख लो यहाँ पर 1 है ये भी 1 है ये भी बराबर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। फ्रेंड अगला ट्रिक है 0 to π/2 log ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए ट्रिक है, बहुत ही स्पेशल है, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। पाई लॉग ऑफ 1 प्लस यहाँ पर जो एन है इसका रूट लेंगे अपॉन 2, ठीक है। तो ट्रिक कॉपी में नोट कर लो, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम। 0 to π/2 log साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो n का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो सिंपली n का मान ट्रिक में पुट कर दो, ठीक है। तो पाई log 1 प्लस रूट ओवर n का मान कितना है 4 दिया अपॉन 2 होगा, ठीक है कि नहीं। देखो पाई log 1 प्लस रूट में 4 का मान कितना होता है 2 होता है अपॉन 2, तो पाई लॉग 3 अपॉन 2, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड अगला ट्रिक है, अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है 0 to 1 x to power n-1 अपॉन लॉग एक्स बेसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पर जो पावर n है ना, n में 1 ऐड कर दो, ठीक है, अब इन सब का लॉग ले लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसे भी कॉपी में नोट कर लेना। देखो अब यहाँ पर n का मान कितना दिया है 4 दिया, ठीक है, तो क्या करो 4 इसमें पुट करो, तो log 4 प्लस 1 तो log 5 बेसी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज ये भी है, पावर कितना दिया है n इक्वल टू 6 है, तो 6 में 1 ऐड करो कितना होगा 7, अब इसका लॉग ले लो, ठीक है, बेस e होगा, ध्यान देना बेस e होगा, ठीक है, तो log 7 बेस e, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दिख रहा है नहीं ना, तो होगा नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला ट्रिक है 0 to ∞ e-k(x²) विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आप बताएं तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे और क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले रूट ओवर पाई अपॉन 2 और रूट में k, ठीक है। तो ट्रिक इसे भी कॉपी में नोट कर लो, ट्रिक बहुत ही स्पेशल है, ठीक है कि नहीं। तो देखो भाई क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 0 to ∞ e-9x² विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है कि नहीं। तो देखो क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, तो रूट ओवर पाई अपॉन 2 रूट ओवर k, तो k का मान कितना है यहाँ पर देखो 9 है, तो रूट में 9, तो रूट में 9 का मान कितना होगा 3 होगा, तो रूट ओवर पाई अपॉन 3 होगा, रूट में 9 का मान 3 होगा, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 6 होगा, होगा कि नहीं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, रूट ओवर पाई अपॉन 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे भी कर लो, k का मान कितना दिया है 4 दिया है,
इससे कंपेयर करेंगे तो के का मान चार निकलेगा कि नहीं, तो के का मान चार है, ठीक है। तो देखो ट्रिक लगाओ, तो रूट ओवर पाई अपॉन टू, फिर से रूट ओवर के स्थान पर कितना चार रखेंगे भाई, कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। ऐसा ट्रिक आपको संपूर्ण यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो, तो रूट ओवर पाई अपॉन रूट में चार का मान कितना होगा, दो होगा, तो दो दूनी चार हो जाएगा नीचे, सिंप्लीफिकेशन तो आता होगा, तो कितना होगा रूट ओवर पाई अपॉन फोर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड अगला ट्रिक है ए टू बी ब्रैकेट में एक्स माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर देखो लोअर लिमिट क्या है, ए है, तो एक्स में से लोअर लिमिट घटाओ और होल टू पावर एम है, इन टू अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बी है, माइनस एक्स टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। ये वाला ट्रिक अति इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा बी माइनस ए टू पावर, देखो अपर लिमिट में से क्या करेंगे लोअर लिमिट को घटा देंगे, ठीक है, तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए पावर क्या होगा एम प्लस एन प्लस वन, ठीक है, एम प्लस एन इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस वन, ठीक है, उसके बाद से फैक्टोरियल एम इंटू फैक्टोरियल एन। देखो अगर आप फैक्टोरियल नहीं जानते हैं तो फैक्टोरियल में बता देता हूं, अगर पांच फैक्टोरियल है, अगर फाइव फैक्टोरियल है तो इसका मान होगा पांच, पांच से पहले क्या आता है चार, चार से पहले आता है तीन, तीन से पहले क्या आता है दो, दो से पहले क्या आता है वन, ठीक है, तो फैक्टोरियल फाइव का मान इतना होगा। ऐसे ही मान लो सिक्स फैक्टोरियल है तो क्या होगा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। ऐसे ही मान लो थ्री फैक्टोरियल है तो क्या होगा थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। तो यही है फैक्टोरियल एम इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन इसका फैक्टोरियल, जो पावर एम प्लस एन प्लस वन है इसका भी फैक्टोरियल लेंगे, ठीक है। तो देखो एम प्लस एन प्लस वन इन सब का फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल की बेसिक प्रॉपर्टी यही है। तो ये वाला ट्रिक अति इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो यहां पर एक और ट्रिक इसी से बन जाएगा, अगर देखो अगर ए इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, अगर लोअर लिमिट जीरो होता और अपर लिमिट वन होता, यानी बी इक्वल टू वन, अगर लोअर लिमिट जीरो होगा अपर लिमिट वन होगा, तो इसमें पुट करो, देखो ये भी ट्रिक बन जाएगा, तो ए के स्थान पर जीरो और बी के स्थान पर वन, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस ए के स्थान पर कितना पुट करेंगे जीरो, तो जीरो टू पावर एम इन टू, अब देखो बी के स्थान पर कितना रखेंगे एक, वन माइनस एक्स टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो ए के स्थान पर जीरो और बी के स्थान पर वन, तो वन टू पावर एम प्लस एन प्लस वन, वन ही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि एक का कोई भी पावर हो उसका मान एक ही होता है, ठीक है, तो इसका मान एक हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल एम इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन, ये तो एज इट इज होगा, तो एम प्लस एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये वाला जो ट्रिक है तो इसे सेकेंड ट्रिक मान लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो ट्रिक है ही। तो चलिए इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। तो फ्रेंड प्रॉब्लम दिया है जीरो टू वन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो जो मैंने सेकेंड वाला ट्रिक बताया था वही लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एम का मान कितना दिया है एन, सॉरी दो दिया, और एन का मान कितना दिया वो भी दो दिया, तो क्या करेंगे एम के स्थान पर दो पुट करेंगे, एन के स्थान पर दो पुट करेंगे डायरेक्ट ए वाला ट्रिक में, ठीक है। तो एम के स्थान पर दो पुट करो तो टू फैक्टोरियल इन टू, एन का मान भी दो है तो टू फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो यहाँ पे एम प्लस एन प्लस वन, तो एम का मान दो है और एन का मान भी दो है प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे कि शुरू शुरू में मैंने आपको फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी बताई है, टू फैक्टोरियल का मान कितना होगा टू इंटू वन, ठीक है, इंटू फिर से टू फैक्टोरियल का मान कितना होगा टू इंटू वन अपॉन, अभी इनको ऐड करो टू प्लस टू कितना होगा फोर प्लस वन फाइव होगा, तो फाइव फैक्टोरियल का मान कितना होगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
टू से टू कैंसिल आउट हो गया और दो से चार कितने बार में, दो बार में, तो क्या होगा, पाँच दो नहीं दस, दस तीन तीस, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी में नोट कर लेना। तो चलिए देखते हैं अगला ट्रिक। तो फ्रेंड अगला ट्रिक है 0 to a log of cot a plus tan x with respect to x, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैं आपसे बता दूं ये वाला ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, ठीक है, उसके लिए, सबके लिए यह ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखना इस ट्रिक को। देखो ए क्या है, यहाँ पर ए एंगल है, ठीक है, ए क्या है, एंगल है, और इसका मान कितना हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा और पाई बाई टू से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है ए यहाँ पर क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, तभी यह ट्रिक वर्क करेगा। हिंदी में बता दूं एक्यूट एंगल न्यून कोण, ठीक है, अगर ए न्यून कोण होगा तभी ट्रिक काम करेगा। वैसे सभी पेपरों में ए न्यून कोण ही देता है, ठीक है, एक्यूट एंगल ही देता है। तो देखो इसके लिए ट्रिक है, अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो 0 to a log cot a plus tan x विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे हम लोग, a log cosec a, ठीक है। ट्रिक क्या है, a जो एंगल है log of cosec a, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन क्लास 12th में आपने पढ़ा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to π/4 log 1 plus tan x विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, हाँ हम इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो 0 to π/4 log, अब देखो यहाँ पर 1 है तो 1 क्या होता है, cot π by 4 का मान होता है कि नहीं, ठीक है, प्लस का प्लस एज इट इज tan x विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहाँ पर a का मान कितना निकला, पाई बाई फोर, इस फॉर्म से कंपेयर कर लो, a का मान कितना निकला, पाई बाई फोर। तो अब देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे a log cosec a, ठीक है। तो a का मान कितना निकला है, पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर का एज इट इज log ऑफ cosec a, तो cosec पाई बाई फोर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, पाई बाई फोर एज इट इज log ऑफ cosec पाई बाई फोर, तो cosec पाई बाई फोर का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, रूट ओवर टू, ठीक है। तो पाई बाई फोर इंटू, अब देखो log टू रूट का मतलब क्या होगा, पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो log की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, जो पावर है वह कूद कर क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो एक बटा दो आगे आ जाएगा और यहाँ से क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। अब देखो इसको करो, पाई अपान चार में दो से गुणा करो, कितना होगा, आठ होगा, ठीक है, लॉग दो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। फ्रेंड अगला प्रॉब्लम है 0 to π/2 log tan x विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए जो ट्रिक है, इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है कि नहीं, इस फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखो 0 to π/2 आप देखो log, आप देखो यहां पर cot a, जो यहां पर अपर लिमिट है उसका cot, तो देखो यहां पर cot पाई बाई टू तो ऐड कर ही सकते हैं, आखिर क्यों, क्योंकि cot 90 डिग्री का मान जीरो होता है, इसीलिए अगर tan x में जीरो ऐड करेंगे तो इसका मान में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो केवल इस फॉर्म में बदलने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो tan x, ठीक है, देखो अब इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, देखो cot पाई बाई टू का मान जीरो होता ही है, ऐसा हम लोग जानते ही हैं, tan x में जीरो ऐड करेंगे तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा, केवल मैं यह फॉर्म बदलने के लिए ऐसा किया हूं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे, a का मान कितना निकला, पाई बाई टू, ठीक है, अब इसमें रखो पाई बाई टू log, आप देखो cosec पाई बाई टू, तो पाई बाई टू log, आप देखो cosec पाई बाई टू यानी cosec 90 डिग्री, cosec 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है,
तो पाई बाई टू। अब देखो लॉग वन का मान कितना होता है, लॉग वन का मान जीरो होता है जैसे कि हम जानते हैं, तो किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी मान कितना होगा, जीरो ही होगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड अगला प्रॉब्लम में दिया है 0 टू पाई बाई 6 लॉग ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें इंटीग्रेट करना है। जो अगला प्रॉब्लम है वह है 0 टू पाई बाई 3 लॉग 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 टू पाई बाई 6, ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम है ना इसी ट्रिक पर आधारित है। ठीक है, तो देखो 0 टू पाई बाई 6 लॉग, अब देखो रूट में तीन, रूट में तीन के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, कॉट पाई बाय सिक्स, क्योंकि कॉट पाई बाय सिक्स का मान कितना होता है, रूट में तीन। ठीक है, प्लस टेन एक्स का एज इट इज, अब देखो ये वाला फॉर्म बन गया कि नहीं, बन गया ना, तो डायरेक्ट यह ट्रिक लगाएंगे, ए लॉग कॉस के, ए लॉग कॉस के याद कर लो। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया भाई, देखो यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है पाई अपॉन सिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पाई अपॉन सिक्स लॉग कोसेक ए, तो कोसेक पाई अपॉन सिक्स यानी कोसेक थर्टी का मान कितना होता है, टू होता है, सिंपली टू होता है, तो कोसेक पाई अपॉन सिक्स का मान टू हो जाएगा, तो ये होगा आंसर। ठीक है, देखो ट्रिक लगाओ, कोई भी सवाल एक लाइन में बनाओ। ठीक है, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ट्रिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस ट्रिक को लगभग 4-5 सवाल कराया हूँ। ठीक है, तो इसे भी करो, देखो इसमें ए का मान पाई अपॉन थ्री है। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, तो पाई अपॉन थ्री लॉग कोसेक ए, तो कोसेक पाई अपॉन थ्री का मान कितना होता है, यानी कोसेक सिक्सटी का मान कितना होता है, कोसेक साठ का मान कितना होता है, वो होता है टू अपॉन रूट थ्री, तो टू अपॉन रूट थ्री, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला ट्रिक। और वैसे बता दूँ ये वाला जो ट्रिक है ना, जीरो जीरो टू ए लॉग ब्रेकेट में कॉट ए प्लस टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्या करें, इसे कॉपी में नोट करें और जितना भी मैं एग्जांपल बताया हूँ सबको ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, अधिकांश यही ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, और इसके बाद से जो भी मैं ट्रिक बताऊँगा सब इम्पोर्टेंट है, अंत वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखो।